हेलो वेरी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विमल कुमार, आपका एनटीसी मेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन वर्ल्ड के एनटीसी प्रिपरेशन चैनल पर, जहां पर आपको मिल रहा है एनटीसी को प्रिपेयर करने का मौका। और स्टार्टिंग हमारा साइंस और रीजनिंग पार्ट आपके सामने कुछ चल रहा है, और काफ़ी सारे जो वीडियोज आप लोग को मिल चुके हैं रीजनिंग के ऊपर, और नहीं मिले हैं तो आप लोग चेक करिए, ठीक है। लिस्ट में आपको जो है काफ़ी सारे वीडियोज हम लोग डाल चुके हैं। सो आज का डिस्कशन है वो है हमारा रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर। और ये टॉपिक जो है वो ओनली नॉट दिस टॉपिक इज नॉट फॉर ओनली द एनटीसी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, आल्सो यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग को हम काफ़ी दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट वन है, और पार्ट वन के अंदर हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के सेशन के अंदर हो सकता है कि काफी ज्यादा थोड़ा सा नर्वस आपको फील हो, क्योंकि काफी सारे बेसिक्स से मैंने यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। और इससे आपका थोड़ा एक इंटरेस्ट भी यहाँ पे बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में काफी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने उनको कैटेगरी वाइज जो है आज पार्ट वन बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको पार्ट टू इसका मिलेगा फिर, ठीक है। और अगर नीड हुई तो पार्ट थ्री भी आपको उसका मिल सकता है। तो हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे रीजनिंग के, हम ये कोशिश करते हैं कि आपका जितना भी पोर्शन पूछा जाता है एनटीएससी एग्जाम्स के अंदर या फिर जो भी कॉमन एग्जाम्स होती है रिगार्डिंग दैट टॉपिक, तो वो कवर हो पाए यहाँ पे, उसके कॉन्सेप्ट पे हम बात कर पाए, ठीक है। हाँ, हम सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, बट इतना कोशिश कर सकते हैं कि आपका एक रीजनिंग पार्ट या फिर एनालॉजिकल पार्ट जो है वर्कआउट करे, ठीक है। आप खुद सोचना चालू करेंगे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के रीजनिंग के टॉपिक को, जो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। सो नाउ चलिए पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, वो करेंगे टाइप वन पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो पहला हमारा टाइप रहेगा वो टाइप वन है। टाइप वन में क्या चीज है, देखो टाइप वन की हेडलाइन आप पढ़ रहे होंगे तो लिखा हुआ है कोड लेटर टू नंबर, मतलब किसी लेटर को जो है नंबर के अंदर कोड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा कॉन्सेप्ट कि लेटर को क्या करेगा नंबर के अंदर कोड किया जाएगा, ये थोड़ा काफी इजी रहता है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छी किस्मत रही तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे हमको, ठीक है। देखो कोडिंग काफी तरीके होती है, लेटर टू लेटर कोड हो सकता है, वर्ड टू वर्ड कोड हो सकता है, लेटर टू नंबर कोड हो सकता है, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हो सकती है। तो आज का हमारा डिस्कशन जो पहला है कि लेटर्स को नंबर में हम क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। लेटर को किस में कोड कर रहे हैं हम लोग, नंबर में। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। सो आई होप कि सभी को दिख रहा होगा, जो स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, शेयर करें, ठीक है। जैसे अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर आपके जो लॉजिक्स हैं या फिर आपके जितना भी बेसिक्स हैं उनको बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ अ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज वन, बी इज कोडेड एज टू एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब कि ए को जो कोड किया गया है सर्टेन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, ए को जो कोड किया गया है वो हमने किया इसमें वन में, ठीक है। बी को कोड किया बेटा इसमें टू में, ठीक है। ऐसे सो ऑन मतलब सी को आप थ्री में कोड कर सकते हो, सो ऑन का मतलब ये हुआ, डी को आप फोर में कोड करेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते जेड जो होगा लास्ट में वो 26 में कोड होगा, क्योंकि ऐसे लेके जेड तक में हमें यहाँ पे 26 लेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो हमें अल्फाबेटिकल्स का ऑर्डर पता होना जरूरी है। जो ABCDs हमारी होती है ए टू जेड, उनके सभी अल्फाबेट्स की पोजिशन पता होनी चाहिए कि ए की पोजिशन वन होती है, बी की पोजिशन टू होती है, इस तरीके से हमें पोजिशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट चल रही है कि बी डी आई आई सी का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब बी अगर ए अगर वन पे आ रहा है और बी हमारे टू पे आ रहा है, ए वन पे बी टू पे, तो साक्स का कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए बी का तो हो गया आपका टू, ठीक है, सी का कितना हो जाएगा थ्री, ठीक है, और डी का कितना हो जाएगा, डी आएगा फोर पे, फोर पे। तो आप देखिए ऐसा कोई कोड देखिए जो टू फोर फोर थ्री इस तरह आ रहा हो, तो ऐसा ही कोड हमें कौन सा दिख रहा है, ठीक है। और आई का जो कोड निकलेगा, आई का कोड नाइन निकल जाएगा, ठीक है, आई का कोड नाइन, तो टू फोर नाइन फिर 493, तो ये हमारा एक्चुअल कोड रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है कि ए को हमने वन बोल रहे हैं, बी को हम टू बोल रहे हैं, सी को हम थ्री बोलेंगे, डी को फोर बोलेंगे, ऐसे करते करते जेड तक को 26 तक का पूरा सीरीज होगा। अब वो आपसे यहाँ पे कुछ और भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि यही पूछेगा, वो आपसे सी एम वाई के भी पूछ सकता है, वो आपसे यहाँ पे एम एन ओ पी भी पूछ सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे बी सी डी
सी डी वी इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, बट अगर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे इसमें पकड़ में आ गया तो आप आगे की जो लाइनअप है ठीक है उसको यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे की लाइनअप को आप यहाँ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे आपको जो मेरा एम है कि आपको वो चीजें समझ में आए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, बट हाउ टू ब्रेक द क्वेश्चन, क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है उस चीज पे हमें डिस्कशन हो जानी चाहिए। ठीक है, सो नाउ की फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब जो हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है कि लेटर टू नंबर्स, मतलब हमें अभी इस यहाँ पर लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने वाली क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। बट इन नाउ की अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट जब क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होंगे तो आपको खुद ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है। ओके, तो जब हम इसको कंप्लीट पार्ट वन पार्ट टू हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेशन हम कंबाइन लेंगे जिसमें क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, पैंट इज कोडेड एज अ 74128। ठीक है, ये चीज को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आप इसको हमने क्या करा, पैंट को इस कोड में कन्वर्ट कर दिया और एक्सेल के लिए एक कोड लिखा ये, तो उसी टाइप से एक्सेप्ट के लिए क्या कोड हो सकता है। ठीक है, उसी टाइप से एक्सेल के लिए क्या कोड हो सकता है, तो बड़े आराम से देखिए। ऐसा लिखा है तो आप क्या करिए, ऐसे लिखिए पहला पी ए आई एन टी, ठीक है, पैंट लिख दीजिए। ठीक है, अब जो कोड लिखा है ना वो एग्जैक्ट इसके नीचे लिखिए पहले 74128। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया एक्सेल, उसको भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दिया और जो उसका कोड दिया है 93596 वो एग्जैक्ट नीचे लिखिए। ठीक है, हाँ लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे कि कोड दिया है तो ये हमेशा ये फिक्स ही रहेगा कि P का मतलब 7 है, A का मतलब 4 है, I का मतलब 1 है, N का मतलब, ये पहले से उन्होंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, जैसे अगर आपको अगर यकीन ना हो तो एक चेक करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई स्पेलिंग तो इसमें मैच हो नहीं रहा है, देखिए ई एक्स सी एल इसमें कोई स्पेलिंग मैच हो रही है तो यहाँ चेक कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे यही मतलब होगा कि पी का मतलब 7, ए का मतलब 4, आई का मतलब 1, एन का मतलब 2, के का मतलब 8। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्सेप्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट के लिए क्या कोड होगा, ठीक है, एक्सेप्ट के लिए क्या कोड होगा, तो देखो सबसे पहले ए देखो, तो ए के लिए क्या आ रहा है बेटा 4, 4 आ रहा है, सी, सी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ सी के लिए क्या था नीचे 5, तो यहाँ पर भी 5, फिर से सी आया तो फिर से 5, अब आ रहा है ई, तो ई के लिए कोड यूज 9 यूज कर रहे हैं, देखिए 9, फिर पी, पी के लिए 7 और टी के लिए हम यूज कर रहे हैं 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर जैसा कोड इसका मिलेगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ओ हमारा सही मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता था कि पैंट का कोड तो ये है और एक्सल का कोड ये है, तो आप ये ना देखे आपको ऐसे पूछता हो कि 4, 5, 5, 9, 7, 8 निम्न में से मतलब फॉलोइंग में से किसका कोड है, और वहां पर एक ऑप्शन जो है एक्सेप्ट भी लिखा होता है, तो ऐसे भी आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता था। ठीक है, तब आपको 4, 5, 5, 9, 7, 8 पहले लिखना पड़ता, फिर चेक करना पड़ता कि 4 के लिए क्या लिखेंगे, तो ए लिखेंगे, 5 के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखना पड़ेगा सी लिखेंगे, तो वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो हमें वर्ड दे दिया जाए, दूसरा हमें नंबर्स की सीरीज दे दी जाए, तो उससे भी हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले से काफी मेल खाता हुआ दिख रहा है आपको, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करके स्टार्ट कर सकते हैं करना। ठीक है, दिल्ली इज कोडेड, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कलकत्ता इज कैपिटल ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड कैलिकट केरला। सो नाउ कि अब यहाँ पर कैलिकट के लिए क्या कोड होगा, तो सबसे आसान तरीका आप लोगों को बताया ही था मैंने कि पहले तो दिल्ली लिख लीजिए, जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। ठीक है, हमने दिल्ली लिख लिया, अब दिल्ली हमने लिख लिया तो दिल्ली के लिए कोड है 7, 3, 5, 4, 1, जितने लेटर्स दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही उतने ही नंबर्स यहाँ दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, तो कभी कभी आप पूरा ना लिख के भी क्या कर सकते हैं, देखिए तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ, ये तो काफ़ी जल्दी आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, तो 8, 2, 5, फिर आई, फिर सी के लिए अगर 8, फिर यू के लिए 9, 6, 6 और 2, इस तरीके से कोड किया है।
ठीक है। तो कैलीकट है अभी आपको जो कोड कन्वर्ट करना है वो कैलीकट के लिए करना है। देखिए कैलीकट के लिए करना है, अभी देखिए ध्यान से। तो कैलीकट में सी एल तो पहले आ ही रहा है, तो मेरा पहला कोड क्या हो जाएगा 825। 825 अब मैं देख सकता हूँ ऑप्शन में 825 कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन में 825 सी में आ रहा है, इट्स मेरे करेक्ट आंसर। अगर मेरा आंसर गलत है तो चेक कर लूंगा टी के लिए क्या होना चाहिए, टी के लास्ट में 6 आना चाहिए, तो देखो लास्ट में 6 यहाँ आ भी रहा है, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। तो इसको बेसिकली हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट में लिख देता हूँ यहाँ पे कि अभी आई के लिए 1 रहा, सी के लिए फिर से 8 और यू के लिए 9। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, देखो मैच कर रहा है 8251896। तो ये कोड यहाँ पे हो गया। दूसरी चीज क्या बोल रहा था मैं कि आपको कैलीकट ना लिख के ये कोड अगर यहाँ लिख दिया जाता फिर वो ऐसा पूछता कि दिए गए चार वर्ड में से किसके लिए 8251896 कोड होगा, तो आपको फिर पहले कोड लिखना पड़ता फिर उसके वर्ड प्लेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन की फ्रेमिंग यहाँ पे हो सकती है। तो आई बिलीव कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। टॉपिक्स मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। ए और टी का कोड मुझे मिला के दिया है 20, ठीक है। बी ए और टी का कोड दिया मुझे 40, तो व्हाट बी द कोड फॉर द सी ए टी, ठीक है। ए टी का कोड 20, बी ए टी का कोड 40 और सी ए टी का कोड क्या होगा ये मुझे मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जबकि मुझे कोड पहला दिया है ए और टी का, ठीक है, ए और टी का कोड मुझे कितना दिया बेटा 20, तो मुझे पता होना चाहिए कि टी की पोजिशन क्या होती है। तो अल्फाबेटिकल में थोड़ा सा याद होने के मैं तो ट्रिक बताता हूँ। देखो कि जो आपके ई जे ओ टी वाई, ठीक है, ई जोड़ने का एक रूल होता है, तो इसमें ई की जो पोजिशन होती है वो 5th होती है, जे की जो पोजिशन होती है वो 10th होती है, ओ की पोजिशन होती है 15th, इसलिए टी की पोजिशन होती है T25, ठीक है, वाई इज 25, ठीक है। तो इस तरीके से एक कोड याद रखना पड़ता है और बाकी इसके आसपास आपको देखना पड़ेगा, जैसे किसी ने एच पूछ लिया तो वो जे से पहले आएगा और ई के बाद आएगा, तो उसका नंबर क्या होता है वो थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। तो ए का तो हमें पता पड़ गया कि ए इज़ अ 1 और टी इज़ अ 20, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो शायद मुझे मिल सकता है कितना 20। ओके ओके चलो यही रूल लग रहा है कि सेकेंड में देखते हैं। बी ए टी, तो टी का कोड तो 20, ए का कोड 1 और बी का कोड 2, तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाट आई गेट 40, 20 इंटू 2 इंटू 1 2, 2 20 इज़ 40, ओके। थर्ड कोड इज द कैट, ठीक है, कैट के लिए कोड है तो सी का 3, ए का 1, तो टी का मेरा कितना हो जाएगा, टी का हो जाएगा मेरा 20, सो आई विल मल्टीप्लाई 3 टर्म्स 3 इंटू 1 इंटू 2, सो इट्स अ 60। तो मुझे आंसर क्या मिल गया बेटा यहाँ पे 60 आंसर मिल गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीके से अर्थमेटिक यहाँ पर कोडिंग में लगाया जा सकता है, जो कि आपको थोड़ा सा रीजनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। एडिशन भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है, मेनली इंटू एडिशन का ज्यादातर वहाँ पे वर्कआउट रहता है क्वेश्चन के अंदर। सो नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आंसर देते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग ट्राई करें वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करें आप लोग। देखिए ये 5th नंबर क्वेश्चन पे आ गए, अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कभी तो देखो आपको कोड जो निकालना है वो सम का निकालना है, सम विल बी इक्वल टू, ठीक है, देन सम, इसके लिए कोड निकालना है, ठीक है, दिस वर्ड। और आपको गो के कोड दिया है और शी का कोड दिया हुआ है, ठीक है, गो शी। चलिए देखिए अगर आप लोगों ने चेक किया होगा, अगर आप ऐसे गए होंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पता है कि जी ओ जो आता है उसकी पोजीशन 15 होती है, क्योंकि ई जोटे के रूप में बताया भी था आप लोगों को कि ये वाला 15 पे आता है, और जी जो होता है वो किस पे आएगा, तो जी जो होता है देखो ई के बाद एफ ई एफ जी, तो वो 7th पे आएगा, ठीक है, वो 7th पे आएगा। दोनों को ऐड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो भी 32 तो कहीं से भी नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम एस की बात करें, ठीक है, तो एस जो होता है 19th पोजीशन पे आता है, एच जो होता है, ठीक है, तो वो 8th पोजीशन पे आएगा और ई हमारा 5 पे आता है। अगर इनको ऐड करके कुछ देखा जाए तो पोजीशन बनता है, ये चेक कर लेते हैं, 27 + 5 = 32, तो डिफरेंस तो काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कुछ अलग किया है, अलग कुछ नहीं किया है, कुछ ऐसे किया है। देखो आपको सारे अल्फाबेट्स थोड़ा पता होना चाहिए, ए बी सी डी ई
F G H I J K L M, बस यहाँ तक आप समझ जाइए, ये पहले 13 लेटर्स हो गए आपके, ठीक है, इट्स आफ्टर 13 लेटर्स, ये आपके 13 लेटर्स हो गए। अब 13 लेटर्स के बाद आप उल्टा चलिए, M के बाद जस्ट N, L के बाद O, K के बाद P, ठीक है, M N O P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, U, V, W, X, Y, Z, तो ये अपोजिट लेटर्स की सीरीज हो गई। जैसे ए जेड ये अपोजिट लेटर्स के, बी के अपोजिट वाई लेटर होगा, क्रूक्स, ड्यू, ठीक है, फुर, ठीक है, जी टी, इंडियन रेलवे आई आर, ओके, एल ओ मतलब लव, ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज हमें यहाँ पे याद हो सकती है। तो बट यहाँ पर जो सीरीज में यूज हो रहा है वो उसको ध्यान समझिए, देखिए जी ओ का मतलब 32 लाया जा रहा है, तो अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कोड करा है पीछे से, ठीक है, पीछे से कोड किया है, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में चलिए, पहले इसको वन माननी है, 1 2 3 4 उल्टा चलिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, पीछे चल रहा है, 13 पे आ गया, इसका हो गया 14 15 16 17 18 19, ये 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है, रिवर्स लेटरिंग करी हुई इन्होंने, ठीक है ना, लेटर्स को रिवर्स नंबरिंग किया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर रिवर्स देखें तो जी की पोजीशन देखिए कितने पे आ रही है, इसे 20th पोजीशन, ठीक है, और ओ को देखिए कितने पे आ रहा है, देखिए ओ को देखिए तो ओ 12 पे आ रहा है, तो 20 और 12 को ऐड करेंगे तो मुझे 32 मिल जाएगा, ठीक है, ओके, तो ये चीज देखिए, ये शी में भी अप्लाई होती है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। तो एस का कोड देखेंगे तो आप कितना मिल रहा है, देखिए एस का कोड आपको 8 मिल रहा है, और एस का कोड कितना मिल रहा है, 18 19, ठीक है, 19, और ई का कोड देखिएगा, ठीक है, ई का कोड हमारा 22 मिल रहा है, ठीक है, 22, तो ये सम करके हुआ 49, मतलब दोनों के लिए सेम चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, तो कोई बात नहीं, तो सम के लिए हम कर सकते हैं एस ओ एम ई, ठीक है, एस का तो पता है 8, ओ का कितना पता पड़ा था अभी हमको, 12, ठीक है, एम का पता यहाँ से पता पड़ सकता है, देखिए एम का 14, और ई का पता करना है, ठीक है, ई का पता करना है, तो ई के लिए देखो, ई का यहाँ पे लिखा हुआ है 22, ठीक है, ई का 22, अब सबको ऐड कर देते, देखिए ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 36, तो सबको ऐड करोगे ना 20 प्लस 36, तो कितना आ जाना चाहिए, 56, तो 56 दिया है ये ऑप्शन में, जी बिल्कुल, ए वाला ऑप्शन हमारा 56 दिया हुआ है, ठीक है, ई वाला ऑप्शन हमारा 56 दिया हुआ है। देखिए तो एक ये तरीका होता है, अब बच्चों का दिमाग कभी कभी ऐसा होता है कि सर हमें रिवर्स लेटर सीरीज भी याद रखनी पड़ेगी, हाँ तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन अगर आगे से नहीं बन रहा है तो पीछे वाली सीरीज भी तो बनी जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एग्जामिनर जो पेपर प्रिपेयर करते हैं वो क्वेश्चन बना के देते हैं, ठीक है, कि आपको थोड़ा अलग से सोचना पड़े। देखिए अब आपके सामने एक सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा आप लोग ट्राई करिएगा, देखें तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, अब एक बार आप खुद ट्राई करिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्लूज को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग ट्राई करिए कि कैसे बन सकता है, आंसर निकाल सकते हैं क्या। जेड 52 है, एक्ट है 48 और बैट है का कोड निकालना है, ठीक है, ऐसा देखा हुआ है, ठीक है, तो देखो काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, सर जेड तो सर 26 पे आता है, सर जेड तो 26 पे आता है, ठीक है, फिर ए का कोड, सी का कोड और टी का एक्चुअल कोड देखो, तो ए का जो कोड होता है वो 1 होता है एक्चुअली, सी का कोड जो होता है वो 3 होता है, टी का जो कोड होता है 20 होता है, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आता है 24, और आया कितना हमारा 48, 24 इंटू 2 कितना कर दिया 48, तो जेड को भी अगर इंटू 2 करेंगे मतलब 26 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 52, मीन्स क्या कर रहे हैं उस वैल्यू को जो उसके पैलेस की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि अब सिंपल सी बात है कि हम बेट को तो यूं ही निकाल देंगे डी ए टी, तो टी का वैल्यू कितना होता है 20, ए का कितना 1, बी का कितना 2, ठीक है, इन सबको प्लस कर लो तो कितना प्लस हुआ 23, मल्टीप्लाई कर दो 2 से कितना हो गया 46, तो 46 तो कहीं दिख नहीं रहा, दिख रहा है सर डी ऑप्शन है, तो 46 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरीज को सॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पे बहुत आसानी से, कोई इसमें मतलब दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है,
बस वहाँ पे थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी बना के रखनी पड़ेगी। जब एंट्रेंस का एग्जाम या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी होनी है, थोड़ा आपको सोचना जल्दी है, कैलकुलेशंस को बार बार गलत करने से रुकना है। कैलकुलेशन गलत होती है तो हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का टाइम को किल कर देते हैं, ठीक है। तो टाइम किलिंग नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन है हमारा कि बुक का कोड 43 दिया हुआ है और व्हाट विल बी द कोड फॉर द पेन। ठीक है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा हो तो ये समझिए कि जो कोडिंग है या तो वो आगे से कोड किए हुए हैं या पीछे से कोड किए हुए और उनको एडिशन किया हुआ है, ठीक है। तो बुक जो है, ठीक है, तो मैंने बताया कि बी की पोजिशन सेकेंड होती है, ओ की पोजिशन 15, फिर ओ की 15 और के की तो किंग्स 11, तो के की पोजिशन होगी 11। अगर इन सबको ऐड कर लो तो यू विल गेट द 43। 15 प्लस 15 30 प्लस 2 32 प्लस 11 इज द 43। सो सिंपली वी कैन द फाइंड द रिजल्ट फॉर द पेन। तो ओ ओ इज द 15 और उसके बाद पी आ गया 10, तो इसका 16, पी का 5, ठीक है, और एन ओ 14, ठीक है, उनको ऐड कर लेंगे तो आई विल गेट ऑल्सो 35, ठीक है। तो सिंपली से क्वेश्चन था हमारा, आई होप कि आप लोगों ने बहुत जल्दी करा होगा मेट से। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन हमारा, ओके। सो नाउ कि आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे टाइप टू के ऊपर, ठीक है। टाइप टू पे हमारा डिस्कशन होगा इज अ सब्स्टिट्यूशन। टाइप टू इज अ टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि क्या होगा कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड कर दिया गया है, एक वर्ड को, ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड रहेगा उसको दूसरे मीनिंगफुल वर्ड में कोड कर दिया गया है। जो नाम हम सुनते आ रहे हैं उन्हीं से मीनिंगफुल होगा, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। देखो पहली चीज ये है कि इसमें आप एक चीज़ को पकड़ लेंगे ना बिल्कुल आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज हमने उन चीज़ों को पहले लिया है कि जो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बनाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सब्स्टिट्यूशन वाले सेशन को, टाइप टू को, ठीक है। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा कि अगर हम आँख को कहें हाथ, आँख को कहें मुंह, मुंह को कहें आँख, आँख को कहें नाक, नाक को कहें जी टॉन्ग, मतलब कि जीभ, ठीक है। तो विद विच ऑफ द पर्सन वुड हियर, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आप लास्ट लाइन पढ़ो, देखो ध्यान से, सबसे लास्ट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड पर्सन हियर, ठीक है, किससे व्यक्ति जो है सुनता है। अब सीधी सी बात है कि ना तो मैं हाथ से सुनता हूँ, मैं नाक से सुनता हूँ, ना मैं मुंह से सुनता हूँ, सुनने के लिए मेरे ईयर के यूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब कि ईयर आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बच्चे होते हैं कि सर ईयर को तो नोज में कर दिया, नोज को टंग में कर दिया, तो आंसर तो टंग हो गया, तो ऐसा नहीं है। देखो आप एक एक चीज को तोड़ लो, पहले एक एक चीज को तोड़ लो, पहले लिखो कि भाई आई का कोड किसमें करा है, वो हैंड में करा है, ठीक है, किसमें करा है, हैंड में। फिर हैंड को किसमें कोड करा है, ये चीज को देखो आप, तो वो करा है माउथ में, ठीक है। फिर माउथ का कोड किसमें किया है, वो चीज को देखो ईयर में, ठीक है। ईयर का कोड किसमें किया बेटा, नोज में, ठीक है, और नोज का कोड किसमें किया, टंग में, ठीक है, ये कोड किया हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखो कि हियर मतलब सुनने के लिए किसका यूज करेंगे, आपको पता है कि हम ईयर का यूज करेंगे, तो अभी देखिए कि ईयर वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ईयर वर्ड ये लिखा हुआ, ईयर को जस्ट नाउ, ईयर को किसमें जस्ट चेंज किया है, बस वही आपका आंसर है। ईयर को जस्ट किसमें चेंज किया हमने, ईयर को जस्ट हमने नोज में चेंज किया है, ईयर को जस्ट हमने किसमें चेंज किया, नोज। तो नोज हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अरे ईयर को इसमें क्या, नोज को टंग में कर दिया, तो करेक्ट आंसर टंग हो गया। अब ये देखिए कि ईयर को जस्ट नाउ किसमें चेंज किया है, ठीक है, ईयर को नाक बोला जा रहा है, फिर नाक को कान बोला जा रहा है, ठीक है। तो ईयर को हमने चेंज किया नोज के अंदर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा यहाँ पे। आई होप की चीज आपको पकड़ में आई होगी। सबसे पहले आप ये लाइन पढ़ी कि क्या पूछा जा रहा है, फिर आप उसको एक तरीके से इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए कि आई का हैंड है, हैंड का माउथ है, माउथ का ईयर है, ईयर का नोज है, फिर उसका टंग है, ठीक है। फिर हियर के लिए मतलब हियर के मतलब ईयर, और ईयर का जस्ट कन्वर्जन क्या है, नोज, बस वही आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ओके। तो नाउ कि ये सब समझ में आया होगा आपको, बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आप लोग ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर कोशिश करें बन जाए आपसे क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए इफ ऑरेंज इज कॉल्ड द बटर, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात में कहां पे आता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। मैं मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है कि कपड़े धोने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो कपड़े धोने के लिए दो चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है, वाटर, सोप या फिर वॉशिंग सोडा, ठीक है, इन तीन दो तीन चीजों का यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है उस चीज पे आना है, ठीक है। तो हमें वाटर तो नहीं दिया, हमें यहाँ पे सोप की बात करी हुई है, ठीक है।
तो कपड़े धोने के सोप का यूज करेंगे। तो सोप को जस्ट किसमें चेंज किया है, तो देखो सोप इज कॉल्ड द इंक, जस्ट सोप इज कॉल्ड द इंक, ठीक है। आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप सोप पे ले जाइए, ठीक है। सोप को किसमें चेंज करा है, सोप इज कॉल्ड द इंक। तो आपका आंसर क्या हो गया कि सोप को कहा जा रहा है इंक, तो इंक इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल उस पर चल जाना है। चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप पहले ऑरेंज लिखते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं बटर, कि ऑरेंज को बटर में कन्वर्ट किया, बटर को फिर हमने सॉफ्ट में कन्वर्ट किया, फिर सॉफ्ट को हम बोल रहे हैं इंक, ओके, सॉफ्ट को बोल रहे हैं इंक, इंक को बोल रहे हैं फिर हम लोग हनी, ठीक है, और हनी को कह रहे हैं फिर हम लोग ऑरेंज के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं, देखिए सॉफ्ट को कहाँ क्या कहा जा रहा है, तो सॉफ्ट पे आइए, उसके जस्ट आगे चलिए, सॉफ्ट के जस्ट आगे चलिए, क्या कहा जा रहा है, इंक। इसका आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, इंक हो गया, ठीक है। ज्यादा लंबी बात करनी ही नहीं इसके अंदर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, ओके। चलिए अभी और भी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, काफी अच्छी प्रैक्टिस है इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका, ट्राई करिए इसको, कैसे करेंगे। विच इज द चीपेस्ट ज्वेल, सबसे सस्ती ज्वेल कौन सी है, ठीक है, सबसे सस्ती ज्वेल कौन सी है, ऐसा पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। सबसे सस्ती देखो, डायमंड गोल्ड से भी महंगा, गोल्ड सिल्वर से भी महंगा, और रबी जो होता है वो सिल्वर से ज्यादा महंगा होता है, ठीक है, ठीक है। हीरे जवाहरात जो होते हैं ना, पन्ना और हीरा, तो उस तरह की चीजें हैं, एमराल्ड और ये सब, तो इनमें से सबसे सस्ता कौन है, सो सबसे सस्ता तो होता है सिल्वर, ठीक है। सबसे सस्ता क्या है यहाँ पे, सबसे सस्ता है सिल्वर, ठीक है, मार्केट की नॉलेज पता होना चाहिए। तो सिल्वर को क्या कहा जा रहा है, तो सिल्वर पे चले जाइए आप सीधे, सिल्वर को क्या कहा जा रहा है, तो सिल्वर को कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, सिल्वर को कहा जा रहा है हमारे यहाँ पे रबी, ठीक है। सिल्वर को क्या बोल रहे हैं बेटा, सिल्वर को बोल रहे हैं हम लोग रबी, सिल्वर इज कॉल्ड द रबी, बस यही अब पता है। चाहो तो चेंज भी कर लो, डायमंड से गोल्ड, फिर गोल्ड से सिल्वर, सिल्वर से फिर यहाँ पे देखो रबी, और रबी से एमराल्ड। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सबसे सस्ता कौन है, सबसे सस्ती रेट किसका होता है, सिल्वर। तो सिल्वर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सिल्वर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, रबी के अंदर, रूबी, सॉरी रबी के अंदर ही, रूबी के अंदर, ठीक है, रूबी। तो इसका यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूबी। तो सिल्वर को हम क्या कह रहे हैं, रूबी, तो इसका करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए बड़े और क्वेश्चन डिस्कस हो जाए इसके ऊपर ही, फटाफट फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से देखिए। इफ सैंड इज कॉल्ड एयर प्लेट्यू, ठीक है, इस तरीके से चीजें यहाँ लिखी हुई है, प्लेट्यू एंड कॉल्ड द वेल, वेल इज कॉल्ड द आइसलैंड, ठीक है, दिस थिंग्स आर रिटन हियर। सो नाउ कि हमें लास्ट लाइन पढ़नी है, फ्रॉम वेयर विल अ वुमन ड्रो वाटर, कहाँ से जो जो औरतें हैं पानी लेके आती है, तो पानी लाने का तरीका होता है, हम लोग पानी कहाँ से लेके आते हैं, तो पानी होता है कि भाई नदी से पानी लाया जाता है, नल से पानी लाया जाता है, कुएं से पानी लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में कुछ मेंशन है कि नहीं, देखिए अब आप देखो यहाँ पर मेंशन है वेल के बारे में, ठीक है, वेल, पानी कहाँ से लाया जाएगा, वेल, उस वेल को क्या कहा जा रहा है वो देखिए आप, तो वेल को कह रहे हैं आइसलैंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आइसलैंड, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइसलैंड, बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, और प्लेट्यू क्या होता है बेटा, ये एक पठार होता है, इसे जमीन से ऊंचा हुआ एक जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं, तो इस तरह का शेप होता है प्लेट्यू का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग, देखिए ट्राई करिए इसको फटाफट से बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके करें। विच वन फिंगर हैज अ डिफरेंट नेम, किस फिंगर का डिफरेंट नेम होता है, देखिए डिफरेंट नेम के लिए देखो, हमारे हैंड पे जो फिंगर्स होती हैं, देखो फिंगर को कहा जा रहा है टॉय, ठीक है, टॉय मतलब होता है जो हमारे पैर की लेफ्ट या एक जो है, तो एक साइड वाली जो फिंगर्स होती है उनको टॉय कहा जाता है, टॉय को कह रहे हैं, फुट, फुट को पैर बोलते हैं, ठीक है, थंब, थंब इज कॉल्ड द एंकल, इस तरीके से पूरा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएटेड है। अब बात हमें यहाँ पे समझनी जो है, देखो ध्यान से कि विच वन फिंगर इज अ डिफरेंट, तो डिफरेंट फिंगर कौन सी होगी, ठीक है, डिफरेंट फिंगर यहाँ पे कौन सी होगी, उसमें हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फिंगर है, तो फिंगर मतलब कि फोर फिंगर्स आपके सामने, तो डिफरेंट इज वांटेड, थंब, थंब इज अ डिफरेंट, तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू थंब, तो थंब को कह रहे हैं हम एंकल, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज अ डिफरेंट, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ एंकल, ठीक है ना। तो हम थंब को क्या बोल रहे हैं, थंब को बोल रहे हैं एंकल, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, एंकल, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट फिंगर मतलब थंब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, काफी इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, ओके। इफ रेट इज कॉल्ड डॉग एंड डॉग इज कॉल्ड द मंगूस, मंगूस इज कॉल्ड रेट एंड द विच रेट एज अ पेट, मतलब कौन अच्छे से पाला जाता है, ठीक है ना, ऐसा कह रहे हैं, रेट मतलब कौन ज्यादा ज्यादा पाला जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मंगूस क्या होता है, मंगूस वो होता है जो सांप को खा जाता है, ठीक है, नेवला,
और लॉयल को तो आप लोग पालते ही नहीं होंगे, ठीक है, उम्मीद है पालते हैं। सांप को तो कोई रखेगा नहीं, भगा देते हैं, और एलिफेंट को पाल नहीं सकते, महंगा बहुत पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे देखी जा रही है। तो डॉग को मतलब ज्यादा से ज्यादा पाला जाता है, ठीक है, हमें पता है। तो डॉग को क्या कहा जाएगा, बात उसी पे आई कि ज्यादा से ज्यादा पाले जाने वाला कौन सा पशु है, विच इज द रियरेस्ट पेट, ठीक है, तो वो डॉग है, ठीक है। तो डॉग को क्या कहते हैं, तो डॉग इज कॉल्ड द मंगूस नाउ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, मंगूस मतलब नेवला, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको नेवला, जो सांप को खा जाता है। सांप की अभी पिक्चर देखो, उसमें आपको फाइट दिखेगी स्नेक और मंगूस के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 14 का डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। देखिए पॉज करके थोड़ा सॉल्व करने स्टार्ट करें। व्हाट विल द पर्सन स्टैंड ऑन, कहां पे पर्सन खड़ा होता है, ठीक है, पर्सन कहां खड़ा होता है वो यहां पे देखना पड़ेगा कि वो विंडो पे खड़ा होगा या फ्लोर पे खड़ा होगा या रूफ पे खड़ा होगा, ठीक है। तो अब घर में यहां पर खड़ा होने के लिए जो जगह चाहिए उसे बोलते हैं फ्लोर, ठीक है, क्या है फ्लोर, ठीक है। आप जहां पे खड़े होते हो फ्लोर, और सोते कहां पर, वो बेड पे, ठीक है, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम चीज देखो कि फ्लोर को क्या कह रहे हैं, फ्लोर इज कॉल्ड द रूफ, फ्लोर जहाँ पे खड़ा होगा पर्सन उसको कहा जा रहा है रूफ, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, इज ऑप्शन डी, ठीक है, आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। देखो वही चीज मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके चुटके हो जाएंगे, पर ये ध्यान देना है कि किस वर्ड को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो एक्चुअल वर्ड है उसके आगे चलिए कि उसको किसमें कन्वर्ट किया, वही आपका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी सारी चीजें आपने सीख ली यहाँ पे काफी कम टाइम में, ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।